सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जातियों को उपजातियों में विभाजित करने के फैसले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए एससी जाति में उपजाति विभाजन करने के फैसले से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि आरक्षण पर नई सूची बनाने से कई तरह की परेशानियां सामने आएंगी। मोदी 3.0 सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सियासत तेज हो गई है, ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई बिल संसद में आता है तो पूरा इंडिया गठबंधन इसका विरोध करेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि 21 अगस्त को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उनके पौत्र बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की। अयोध्या में नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का बड़ा खेल सामने आया है। यहां नजूल की जमीन यानी कि सरकारी जमीन पर बने एसपी विजिलेंस के ऑफिस को फ्री होल्ड कराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सरकारी जमीन से सरकारी विभाग को बेदखल करने का मामला अयोध्या का सामने आया है। अयोध्या कांड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं इसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को कहा कि अयोध्या के बलात्कार मामले के दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। साथ ही उन्होंने सपा पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सपा के डीएनए में गुंडई और अराजकता है। हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देना सपा की पुरानी आदत रही है। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी। जोन 1 के मुख्य अभियंता अनिल कुमार सिंह और जोन 2 के मुख्य अभियंता संजय गुप्ता ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के ओएसडी पंकज गोयल, कानपुर जोन 1 के अधीक्षण अभियंता आरके सिंह, अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 119 वर्ष पुरानी शहर रामलीला का मंचन 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे पहले 30 सितंबर को बुढ़ाना गेट स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर से भगवान शंकर की बारात धूमधाम से निकाली जाएगी। 26 सितंबर को जिमखाना मैदान में भूमि पूजन होगा। 4 अक्टूबर को श्री रामचंद्र जी की बारात, 12 अक्टूबर को विजयदशमी पर रावण दहन और 15 अक्टूबर को श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के साथ समापन होगा। अयोध्या के भदरसा गैंग रेप मामले में बसपा ने सपा पर सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज ने 2 सवाल उठाए हैं। अयोध्या गैंग रेप पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आरोपियों के कितने डीएनए और नार्को टेस्ट हुआ है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। फिलहाल पार्टी सपा के साथ गठबंधन में उपचुनाव लड़ेगी। इससे पहले तैयारियों को गति देने के लिए सभी 10 जिलों में प्रभारी तैनात किए जाएंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये आप सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इन दिनों नजूल लैंड एक्ट को लेकर प्रदेश में जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से अभी भले ही आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होने देने की बात कही जा रही हो, लेकिन नजूल की जमीन पर मकान बनाकर पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को इस बात की आशंका सता रही है कि बिल पास होने के बाद सरकार कभी भी उन्हें बेदखल कर सकती है। वहीं इसे लेकर विपक्ष भाजपा सरकार को जमकर घेर रहा है।